रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, तो कामरान साहब अब इसकी रिहैबिलिटेशन, एक तो ये मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि आपकी जमात भी सूबे में है, प्लीज इसको शिफ्ट करवाइए चाइल्ड कोर्ट में और प्लीज इसकी रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ कीजिए आप दोनों। इसमें ऐसा कर लीजिए कि मुझे अगर उस बच्चे के वालदैन में से किसी का नंबर मिल जाए, मेरे नंबर पे इसको मैसेज करवा दीजिएगा, हम इसको लीगल साइड पे भी इसको पूरी सपोर्ट देंगे और बाकी भी जो कुछ मुमकिन होगा इसको इंशाल्लाह वो करेंगे। और हमारी जमात के हवाले से अगर कोई शिकायत है, जमाती किसी साथी के हवाले से शिकायत है, उसका भी रिड्रेसल करेंगे। सिर्फ मुझे उस बच्चे के किसी बड़े का नंबर चाहिए कि उस कोई उसका जो साथ उसके साथ जो सर पे है ये वादा है आपका, ये वादा अल्लाह ताला के साथ जी, है जी, बिल्कुल, क्योंकि वो इतने गरीब लोग हैं। जिस तरीके से मैंने अस्पताल में उस बच्चे को देखा, मैं आपको बता नहीं सकती कि समझ नहीं आ रही थी कि वो खा पी भी कहाँ से रहे होंगे और इस वक्त वो कहाँ पड़ा होगा। ही शुड बी देयर, देखे हाँ देखिए, उसकी जो है ना रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। ही शुड हैव गॉन बैक टू कोहिस्तान। उसकी हमने जो बात की उधर और जो हमने पुलिस होगा जी, और ये कि ही नीड्स टू बी विद अ साइकाइट्रिस्ट जिसको उसकी जुबान समझ में आए, फिर वो कोहिस्तान वापस नहीं जा सकता। उसको आप भले किसी बोर्डिंग में जब वो उसके साथ, आप लोग उसका पूरी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी ले जी, प्रॉपरली लुक आफ्टर होगा। मैं मौलाना अताउर रहमान साहब को अभी कह देता हूँ, अकरम दुरानी साहब को अभी कह देता हूँ और उसके बाद जो लोकल बार्स हैं उनको कह देता हूँ। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी होगी। सिर्फ मुझे उनका नंबर और उनका जो भी एड्रेस वगैरह है मुझे मैसेज करवा दीजिएगा, नो इशू। कामरान साहब, एक और बात है, सॉरी मैं कत्ता कलामी कर रही हूँ, एक और बात है कि देखिये जब हम गए उधर उनसे मिलने के लिए, और देखिये मेरा तो क्योंकि मैं ना तफ्तीशी अफसर हूँ ना मैं इस तरह की चीजों में पढ़ सकती हूँ, मैं हाईलाइट, बिकॉज अगर हम नहीं हाईलाइट करेंगे तो कौन हाईलाइट करेगा, ठीक है ना। तो उसमें यह है कि ये जो सुलह के लिए प्रेशर कर रहे हैं ना वो पागल हो रहे हैं, उनकी शक्ल हवास भागता है। आप अपनी प्लीज जो लोग भी कर रहे हैं उनको पीछे हटाइए और देखें, आपने अल्लाह से वादा किया इस प्रोग्राम पे, अल्लाह से वादा है आपका कि आपने जो भी कल्प्रिट है आपने उसको, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि क्या जैनब के केस में जो कल्प्रिट था उसके पीछे माफिया नहीं था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा माफिया था, मगर एक पॉलिटिकल विल थी। आपकी बात दुरुस्त है कि जी इसको हमने अपने बच्चे की तरह लेता हूं कि जैसे वो हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है। ठीक ठीक ठीक, पॉइंट आ गया। अब आज साहब, अब आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आपकी जो हुकूमत है, केपी हुकूमत है, उनसे कहें कि अगर